सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हम आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल साथी में। दोस्तों, व्हाट्सएप आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, ऑब्वियसली मैं भी यूज़ करता हूँ, और आपने एक एप्लीकेशन का भी नाम सुना होगा, एपलॉग का। एपलॉग क्या करता है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके फ़ोन के जो एप्लीकेशन होती है लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, उन सभी एप्लीकेशन को लॉक करने के काम आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एपलॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपलॉग क्या बेसिकली, उससे क्या होता है कि आपका पूरा व्हाट्सएप का जो जो अकाउंट है वो पूरा पूरा लॉक हो जाता है। तो इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप को बिना पूरा लॉक किए हुए किसी कोई पर्टिकुलर जो आपके ग्रुप है व्हाट्सएप के, या कुछ पर्टिकुलर जो कॉन्वर्सेशन है, उन पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को आप कैसे लॉक कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे अगर आप लड़के हैं तो आप नहीं चाहते होंगे ऑब्वियसली कि कोई भी बंदा आपकी गर्लफ्रेंड की चैट पढ़े, या अगर आप लड़की हैं तो आप नहीं चाहते होंगे कि कोई आपकी बॉयफ्रेंड की चैट पढ़े, ऑब्वियसली ये सही बात है। तो इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि पूरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन को बिना लॉक किए हुए आप पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को लॉक कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप चैट हो, चाहे वो सिंगल बंदे से की हुई बात हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ऊपर व्हाट्सएप चैट लॉगर। तो जब आप व्हाट्सएप चैट लॉगर सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एप्लीकेशन रहेगा एक, ये आइकन का आइकन ध्यान रखिए, ये रेड कलर का एक लॉक का आइकन आएगा। इस आइकन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने इंस्टॉल किया हुआ पहले से। इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जब इस इंटरफेस में ये क्या बोल रहा है आपको कि आपको एक पासवर्ड डालना है, उसको कंफर्म करना है, उस पासवर्ड का हिंट देना है। तो चलिए पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ, इसको 123 डाल देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, और पासवर्ड का हिंट भी मैं दे देता हूँ, जैसे मैं 2 हिंट दे देता हूँ पासवर्ड का। तो ये सब करने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद ये मुझे कुछ अलाउ एक्सेस का मांगेगा मेरे से, अलाउ एक्सेस करने के लिए, तो आप उसको एक्सेस कर दीजिए। और यहाँ पे मेरे को बता देगा कि कंटिन्यू देर आर नो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो इस पर रेड कलर के जो आइकन है नीचे नीचे, उस पर क्लिक कीजिए आप। इस पर आप क्लिक करोगे तो ऊपर ही ऊपर आएगा एक लॉक व्हाट्सएप चैट्स। तो लॉक व्हाट्सएप चैट्स पे आप क्लिक करोगे तो ये आपसे सेटिंग में जाके, एक्सेसिबिलिटी सर्विस में जाके, इसको ऑन करने के लिए बोलेगा व्हाट्सएप चैट लॉगर को। तो इसको आप ऑन कर लीजिए, मैंने ऑन किया हुआ है। तो करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए, जब मैं इस पे जाऊँगा तो व्हाट्सएप चैट लॉगर को ऑन करने के लिए बताएगा, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मेरे को सीधा सीधा बैक पे जाना है। बैक पे जब जाएंगे आप तो अब ये मेरे को बोलेगा कि करंटली अभी कुछ भी नहीं है व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जिसको आप लॉक करना चाहते हैं, तो दोबारा से उसको क्लिक कीजिए और ऊपर ही ऊपर लॉक प्राइवेट कन्वर्सेशन पे आ जाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे को बोल रहा है कि प्रोटेक्ट प्राइवेट कन्वर्सेशन, ये अब रेडी हो चुका है। इसमें जब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सीधा व्हाट्सएप एक्सेस कर लेगा। तो अब ये मेरे को सारे व्हाट्सएप के जो मेरे कन्वर्सेशन है, ग्रुप है, वो सारे के सारे बता देगा और मुझसे पूछेगा कि कौन से अकाउंट को आपको, कौन से कन्वर्सेशन को आपको लॉक करना है। तो मैं टेक्निकल साथी वाले को एक ले लेता हूँ, इसको लॉक करने पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्टेड हो चुका है अच्छे से, मुझे इसको ओके पे क्लिक करना है। तो अब ये लॉक हो चुका है। तो अब मैं अगर व्हाट्सएप पे जाता हूँ, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद टेक्निकल साथी वाले जो मेरा जो व्हाट्सएप का कॉन्वर्सेशन है एक, उस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे, आप देख सकते हैं, ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। बिना विदाउट पासवर्ड ये मुझे एंटर करने नहीं देगा और इसकी इस पर्टिकुलर चैट एप्लीकेशन की जो कन्वर्सेशन है वो मुझे नहीं देखने देगा। तो देखिए, ये इसका बहुत एक बड़ा एडवांटेज है। इससे क्या होगा, आपको पूरे व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को लॉक नहीं करना पड़ेगा, आप पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन जो है उसको लॉक कर सकते हैं। अब जब मैं अगर इसमें मेरा पासवर्ड डालूंगा और ओके करूंगा तभी मुझे चैट बताएगा पूरा का पूरा। अब देखिए, मैं अगर कोई दूसरे जो चैट है उसको ओपन करूंगा तो ये डायरेक्टली ओपन कर देगा। दूसरे जो भी चैट है उसको ओपन करूंगा तो ये डायरेक्टली ओपन कर देगा, कोई इशू नहीं देगा। पर जब मैं टेक्निकल साथी वाले को करूंगा जो कि पहले ऑलरेडी व्हाट्सएप लॉक है, मेरा लॉक किया हुआ है कॉन्वर्सेशन, उसको अगर मैं बोलूँगा तो हमेशा ये पासवर्ड पूछेगा। इस कॉन्वर्सेशन को रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैट लॉगर पर दोबारा से जाना है। तो व्हाट्सएप चैट लॉगर पर जब आप दोबारा से जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके कौन कौन से जो कॉन्वर्सेशन है इसमें लॉक हुए हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल साथी का मैंने इसको लॉक किया हुआ है। अगर मेरे को इसको रिमूव करना है तो मुझे इस पर क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। अभी रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से उस पर जाऊंगा और टेक्निकल साथी का ओपन करूंगा तो अभी मुझे पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल है टेक्निकल साथी का, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेक्निकल साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।